अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। STA 301 कोर्स के जो जूरी भी है, ग्रुप डिस्कशन बोर्ड है, वो अपलोड हो चुका है। यहाँ पर ये STA 301 का कोर्स है। यहाँ पर GDP पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये GDP नंबर वन है। स्टार्ट डेट जो है इसकी मई 20, 2020, और इसकी जो एंड डेट है मई 27 तक सबमिट करना चाहिए। स्टेटस ओपन है। यहाँ पर व्यू GDP, GDP देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल मार्क्स 5, स्टार्टिंग डेट और फिर क्लोजिंग डेट, फिर स्टेटस ओपन, जिसके बाद जो है ना क्वेश्चन टाइटल GDP नंबर वन, ये फर्स्ट GDP है इस सेमेस्टर का। क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन ये है कि यूज द डेटा सेट टू क्रिएट स्टेम एंड लीव डिस्प्ले। ये जो गिवन डेटा है इसमें आप स्टेम और लीव डिस्प्ले क्रिएट करें। Also calculate model value from the display, और जो डिस्प्ले है इससे आप मॉडल वैल्यू मालूम करें। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, गिवन डेटा है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 37, 33, 33, 32, 29, यहाँ 96 तक, ये गिवन डेटा है। इसको मैंने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ताकि आसानी हो। सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 6 है, वो मैंने पहले मालूम किया। फिर जो इस डेटा में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो इसमें 37 है। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर जो है हमने लिखे, यहाँ पर स्मॉलेस्ट 6 है और जब सबसे लार्जेस्ट है वो 37 है। अब जाते हैं स्टिम और लीव की तरफ। तो स्टिम हम किस तरह लिखेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 43 है, तो इसमें जो लास्ट वाला डिजिट होता है ये लीफ होता है, और इसके इस साइड पर जितने भी नंबर होते हैं ये स्टिम में आएंगे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसी डेटा को। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जो 6 और 9 है। यहाँ पर 10 डिजिट नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं इसके दोनों के पास। फिर इसके आगे 12, 12, 14, इसी तरह हमारे पास जो सबसे पहले 2 नंबर्स है, इसमें जो पहला नंबर है वो 0 है और लास्ट वाला 9 और 6 ये लीफ है। तो यहाँ से ले यहाँ तक 0, तो स्टिम में सबसे पहला नंबर हमने 0 लिख किया। फिर इसके बाद 1 जो है ना, 1 में यहाँ से शुरू है, फिर ये सारे नंबर जो है 1, 5, 1, 6, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 9, 1, 9 यहाँ तक। तो स्टिम जो है दूसरा नंबर 1 है। फिर इसके बाद 2 शुरू होता है, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 2, यहाँ तक, जहाँ पर 2 यहाँ तक 28 तक। तो तीसरा जो स्टिम है वो 2 है। अब इसी तरह जो लास्ट वाला 28, 29 तक 2 है। अब 32, 33, 37 तक ये 3 है। तो ये चारों नंबर ये है स्टिम। अब लिखते हैं लीफ। लीफ यहाँ पर 0 के साथ 6 है और 9 है, 6 और 9। फिर इसके बाद 1 के पास 2, 2, इसी तरह 4 3 टाइम्स है, और इसके अलावा 5 जो है 1 टाइम है, फिर 6 1 टाइम है, फिर 3 टाइम्स 1, 2, 3, 4 टाइम 8 है, 3, 4, और 9 जो है वो भी 2 टाइम है। आगे 2 शुरू होता है, 2 के पास सबसे पहले 0, 0 दो दफ़ा है, फिर 21, 21 3 टाइम 1, 1 है, फिर 22 भी 3 टाइम 2, 2, 2 3 टाइम्स है, फिर 22 के बाद 23, 31 टाइम्स है, फिर 28 2 टाइम यानी 8 और 8, और फिर 29, 9 ओनली 1 टाइम। फिर 3 शुरू होता है, 32, 33, 33, 37। तो 3 के पास पहला नंबर 2 है, फिर 3, फिर 3 और फिर 7, यहाँ तक स्टिम और लीव। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाएंगे इसकी। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ पर एप जब हम लिखे तो 1, 2 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसी तरह इसको भी काउंट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले क्लास लेते हैं। जो क्लास मैं यहाँ लेता हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर 0 से स्टार्ट लेंगे, 0 से लेकर 9 तक पहला क्लास, फिर 10 से लेकर 19 तक। मैंने क्लास इंटरवल जो गैप है 10 नंबर ले ली,
19 फिर 20 से लेकर 29 तक और फिर 30 से लेकर 37 तक। जो लार्जेस्ट नंबर है 39 आता है, 10 नंबर है, लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 37 है, वो इस ग्रुप में आता है, तो इसके आगे हम नहीं जा सकते। 0 से 9, 10 से 19 दूसरा, और 20 से 29 तीसरा ग्रुप, और 30 से 39 चौथा ग्रुप। फिर आगे लिखते हैं क्लास के बाद, क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज में ये जो फर्स्ट नंबर है इसको हम 0.5 कम करते हैं, यानी यहाँ पर हम ये स्टार्ट हम 1 से लेते हैं, 0 से नहीं, 1 टू 9 फिर 10 टू 19। क्लास बाउंड्री यहाँ पर 0.5 से लेकर 9.5 तक, फिर यहाँ पर 9.5 से 19.5 और 19.5 से 29.5, इसी तरह 29.5 से यहाँ पर 39.5। यह है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री के बाद हम टैली मार्क्स टैली करवाएंगे, यानी यहाँ पर जो टैली किस तरह करवाएंगे हम, जो फ्रीक्वेंसी है इसकी 1 से लेकर 9 तक, जो इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, यहाँ पर 2 आती है, 1 और 2, तो दो दफ़ा 2 रेडा है, तो इसको हम इस तरह दो निशान करवाएंगे। फिर 10 से लेकर 19 तक इसमें कितने फ्रीक्वेंसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसकी फ्रीक्वेंसी 13 है, तो इसी तरह हम 1 2 3 4 और फिर इसके ऊपर एक निशान, ये 5 रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4, फिर 5 5 10 11 12 13। इसी तरह 20 से 29 तक इसमें ये तीसरा ग्रुप जो है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, तो 1 2 3 4 5 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 5 5 10 11 12। लास्ट वाले ग्रुप में हमारे पास 1 2 3 4 फोर टाइम्स जो है ना, 4 साइन आएंगे। फिर इसी तरह इसको हम यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 13 है, और यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर 4 है। यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समेशन एफ टोटल फ्रीक्वेंसी 12 और 13 और 2 15 और 12 15 13 प्लस 2 15 15 प्लस 12 27 27 प्लस 4 31, तो हमारे पास जो कुल डेटा थी यहाँ पर वो भी 31 थी। तो अगर ये भी 31, ये सेम होनी चाहिए, यहाँ पर जो समेशन एफ है ये भी 31 है, तो हमारी जो क्वेश्चन है वो सही है यहाँ तक। और यदि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस स्टीम और लीफ की, इसके बाद अगर हम मॉडल क्लास लिखना चाहें तो मोड का मतलब, यानी जो मोस्टली अकर होता है इसमें, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो इस क्लास की है 13, जो मोस्टली अकर है, तो इसमें जो क्लास है वो 10 से लेकर 90 तक है, तो मॉडल क्लास जो है इसमें वो कौन सा है, वो 10 टू 19 है। यहाँ पर हमारी जो GDB थी वो कंप्लीट हो गई, और हर किस्म की असाइनमेंट और GDB के लिए मैथमेटिक्स के रिलेटेड या स्टेटिस्टिक्स के रिलेटेड VU वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी असाइनमेंट हो या GDB क्विज वगैरह हो, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।